गाइस किसी भी व्हील का आगे को मूवमेंट ये डिसाइड करता है कि कितना टायर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो मूवमेंट उतना फास्ट नहीं हो पाता, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो मूवमेंट तेज़ी से हो पाता। इतना भी कम ना हो कि रोलिंग ना हो पाए, स्लाइडिंग करना शुरू कर दे, नहीं, इतना भी कम ना हो। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्स विद रबर टायर्स आर ईजियर टू फ्लाई देन दोज विद आयरन व्हील्स। जो कार्ट होती हैं जिनके अंदर रबर टायर्स होते हैं उनको चलाना, फ्लाई करना आसान होता है, उन कार्ट के बदले जिन कार्ट में लोहे के, आप कह सकते हैं कि आयरन के व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो ऐसे क्यों? आपको पता है रबर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, वो रोड और आयरन के मुकाबले कम होता है। इसीलिए जो रबर के टायर्स होते हैं उनके थ्रू कार्ट को चलाना बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द मेटेलिक व्हील। होप सो समझ में आ गया होगा। ये खेल पूरा का पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अब आपको समझ में आ गया कि आयरन और रोड के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है और रबर और रोड के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, दैट्स वाई ईजियर रहता है रोड और टायर वाले जिन पर रबर लगी हुई होती है उनकी कार्ट को चलाना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाते हैं, समझदार हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा।